जी आज हम स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये फाइंड करना सीखेंगे. स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर एक है, 1 + 2i. इसके दो स्क्वायर रूट्स होंगे, इसलिए वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आपने जी वेरी फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप लेट करना है आपको 1 + 2i अंडर रूट. इसका स्क्वायर रूट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, x + i / y. ये आपने लेट कर लिया कि 1 + 2i अंडर रूट का स्क्वायर रूट x + i / y. सेकेंड स्टेप है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. Taking square on both sides. दोनों साइडों पे आप स्क्वायर लीजिए तो आपका ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, x + i / y होल स्क्वायर. इसके ऊपर आप आइडेंटिटी यूज कीजिए और ओपन कर लीजिए इसकी ब्रैकेट को, 1 + 2i / x² + i² / y². आज हम स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे. क्वेश्चन है जी Find the square roots of a complex number. Complex number है 1 + 2i. इसके हमने square roots find करने हैं. किसी भी complex number का एक square root नहीं होता, दो आंसर्स होंगे जब हम इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे. इसके स्टेप्स क्या हैं जी? फर्स्ट स्टेप है इसका, आपको लेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 + 2i अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट x + i / y. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये आपने लेट कर लिया. सेकेंड स्टेप है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये सेकेंड स्टेप है आपका. दोनों साइडों का स्क्वायर ले लीजिए तो 1 + 2i / x + i / y होल स्क्वायर. यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे होल स्क्वायर की, 1 + 2i / a + b² = a² + b² + 2ab. अब यहां पे x² + i / y² + 2xi / y. आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, x² iota² की वैल्यू आ गई -y² + 2xy iota, 1 + 2i. अब यहाँ पे हम थर्ड स्टेप यूज़ कर रहे हैं. थर्ड स्टेप है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. अब यहां पे 1 is a real part and 2i is an imaginary part. इस तरफ देखिए x² - y² ये हमारा रियल पार्ट है, 2xy के साथ iota है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है.
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वन, और इमेजिनरी पार्ट है हमारा टू इक्वल्स टू टू एक्स वाई. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन एंड एक्स वाई इक्वल्स टू वन. इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड करके यहां पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा. अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, y इक्वल्स टू वन ओवर x. ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर y इक्वल्स टू वन ओवर x पुट इन इक्वेशन नंबर वन, वन में रिप्लेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर इक्वल्स टू वन. एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन. अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका. एलसीएम आपका आएगा एक्स स्क्वायर एक्स फोर माइनस वन इक्वल्स टू वन. ये एक्स स्क्वायर मूव कर दीजिए राइट साइड पे, तो एक्स फोर माइनस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. ये आपकी क्वेश्चन बन गई. अब अगेन यहां पे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू. तो ये आपकी क्वेश्चन रिप्लेस करने से बन जाएगी यू स्क्वायर माइनस यू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. ये आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू इक्वल्स टू वन प्लस माइनस वन प्लस फोर ओवर टू एंड यू इक्वल्स टू वन प्लस माइनस फोर प्लस वन फाइव अंडर रूट ओवर टू. अंडर रूट फाइव हमारा 2.1, सो यू इक्वल्स टू वन प्लस माइनस 2.1 ओवर टू. एक दफा आपका आंसर आ गया जी 3.2 है सर, 3.2 ओवर टू, और एक दफा आपका आंसर आ गया माइनस 1.2 ओवर टू, 1.6 कॉमा माइनस 0.6, इट इज यू. सो यू हमने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर. सो ये वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1.6 एंड माइनस 0.6. सो एक्स इक्वल्स टू 0.4 प्लस माइनस, हमने स्क्वायर रूट लिया है 1.6 का, तो 0.4, और ये आपका आएगा, इसको हम वैल्यू को कर देंगे रिजेक्ट क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमसे फाइंड नहीं होता. एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.4. अब ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए इस जगह पे वाई इक्वल्स टू वन ओवर एक्स में. सो वाई बिकम्स वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस वन ओवर 0.4. ये आ जाएगा आपका आंसर y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2.5. आपका 1 प्लस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, और वो था x प्लस आयोटा y. तो अब आपके x की वैल्यूज दो हैं, प्लस माइनस 0.4 x की वैल्यू आ गई, और फिर आ गई प्लस माइनस 2.5 y की वैल्यू. दीज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ
अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए सर, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहता है तो फर्स्ट स्टेप है, हम इसको लेट करेंगे 1+2i को x+i y, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमने लेट कर लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। फिर आप दोनों साइडों का स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर लेने से x+i होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x+i होल स्क्वायर के ऊपर, a² + b² + 2ab वाली। 1+2i इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म x² + i² y² + 2xi y। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा x² - y² + 2xy i। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट यहाँ पे 1 है और इस साइड पे है x² - y², तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, x² - y² = 1। दूसरी तरफ इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया, आयोटा के साथ कैंसिल है, 2xy = 2। अगर दोनों साइडों पे आयोटा है वो दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 को मैंने कैंसिल कर दिया जी डिवाइड करके, xy = 1, x² - y² = 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस में से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। सो प्लीज सॉल्व द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, y की वैल्यू फाइंड कर ली है इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2 y = 1/x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दिया है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें मैंने y की वैल्यू रिप्लेस की है 1/x, यहाँ पे 1/x आ गया, इसका स्क्वायर लिया = 1, x² - 1/x² = 1। उसके बाद मैंने लिए जी LCM आया x² × x² x4 - 1 = 1, इसको सिंप्लीफाई किया x² - 1 = x², कोई साइड पे ले आया हूँ, और फिर यहाँ पे x4 की इक्वेशन बन गई। अब x4 की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने x² को लेट कर लिया u के इक्वल, ताकि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकूं। u² - u - 1 को सॉल्व करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने u की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। वैल्यूज आ गई जी, u = 1 ± 2.2/2। एक दफा ऐड कर लीजिए, 2.2 + 1 = 3.2/2, और एक दफा सब्ट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। तो u की दो वैल्यूज आ गई, 1.6 एंड -0.6। आपको पता है कि हम स्क्वायर लेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, और 1.6 का स्क्वायर रूट लेंगे, x² = 1.6, सो x = ±1.6√। ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 0.4±, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ x वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 1/4, 1/4 = 2.5, 10/4 और 5/2 = 2.5। ये सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया, तो फाइनल आंसर आया हमारा स्क्वायर रूट, x और y दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। x और y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप रिप्लेस कर दीजिए इन दोनों को, x और y की जगह इस जगह पे रिप्लेस कर दें
एक्स और वाई की वैल्यूज। तो 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 0.4 एंड प्लस माइनस 2.5, दीज आर द टू स्क्वायर रूट्स, प्लस 0.4 प्लस 2.5, माइनस 0.4 एंड माइनस 2.5, तो दीज आर द टू स्क्वायर रूट्स। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था।